दोस्तों अगर आप ऋषभ पंत को एक शानदार विकेट कीपर बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन में तीसरा टेस्ट मुकाबला अपने अंतिम पड़ाव पर है, जहां ऋषभ पंत के काउंटर अटैक के बाद भारतीय टीम ने एक बार फिर से साउथ अफ्रीका पर अपनी अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली है। आपको बता दें कि दूसरे दिन लगातार विकेट गिरने के बाद विकेट पर बल्लेबाजी करने के लिए भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान पर आए और उन्होंने आते ही अपने आक्रामक तेवर से साउथ अफ्रीकी गेंदबाज क्रम की धज्जियां उड़ा दी और उनके द्वारा खेली गई तूफानी पारी के दम पर भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने की दहलीज पर है। तो चलिए हम आपको बताते हैं ऋषभ पंत के तूफान के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ऋषभ पंत और केएल राहुल में से शानदार बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों केप टाउन के मैदान पर तीसरे दिन के पहले सत्र के पहले ही ओवर में कल के दिन नाबाद लौटे चेतेश्वर पुजारा दूसरी ही गेंद पर पवेलियन चले गए, जिसके बाद काफी समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे अजिंक्य रहाणे भी क्रीज पर ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए और वो भी साउथ अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज कगिसो रबाडा का शिकार बनकर भारतीय टीम को मुश्किलों में डालकर पवेलियन चले गए। लेकिन इसके बाद पिछले मैच में काफी आलोचना झेलने वाले भारत के सर्वश्रेष्ठ युवा विकेटकीपर बल्लेबाज केप टाउन के मुश्किल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए और उन्होंने आते ही कगिसो रबाडा के एक ओवर में 10 रन बनाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसके बाद वो विराट कोहली के साथ जबरदस्त साझेदारी करके भारतीय टीम को इस मुकाबले में एक बार फिर से वापसी करा दी है। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत ने सेंसिबल क्रिकेट के साथ साथ आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के ऊपर जबरदस्त काउंटर अटैक किया है, जिसको देखकर दूसरे छोर पर खड़े विराट कोहली भी हैरान रह गए। उन्होंने अपनी इस पारी में महज 60 गेंदों का सामना करते हुए 51 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 बेहतरीन चौकों के साथ केशव महाराज के ऊपर एक गगनचुंबी छक्का भी लगाया। वहीं उनके द्वारा लगाए गए इस छक्के को देखकर भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ भी हैरान रह गए। वहीं उनके द्वारा खेली गई 51 रनों की पारी के दम पर भारतीय टीम इस समय साउथ अफ्रीका से 143 रन के आगे है और अभी भी भारतीय टीम के 6 विकेट बचे हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि भारतीय टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। दोस्तों ऋषभ पंत के द्वारा लगाया गया यह अर्धशतक इस सीरीज पूरी सीरीज की सबसे महत्वपूर्ण पारी है, जिसके दम पर भारतीय टीम इस मुकाबले को ही नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में पहली अपनी टेस्ट सीरीज जीतने की दहलीज पर खड़ी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के बाद एक बार फिर से साउथ अफ्रीका में भी अपनी बल्लेबाजी का परचम लहराते हुए ऋषभ पंत ने यह बता दिया कि विश्व में उनके जैसा विकेटकीपर बल्लेबाज और कोई नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले की दूसरी पारी में ऋषभ पंत शतक लगाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।